Azhar, so wonderful to see you, really. It's such a pleasure to have you here. Thank you so much for coming. Thanks a lot. I'm sure this can't possibly be the first time you've come to Pakistan. No, I've been here a couple of times before. And I think it's an absolute pleasure to be in your country. I think the amount of hospitality we got when we landed in Karachi. Do you think cricket has brought हमारे जो दो लोग हैं has cricket brought them closer या उनको दूर लेकर गई है cricket? नहीं, मैं सोचता हूँ कि बहुत एकदम बहुत क्लोज ला चुके क्रिकेट, और उसकी वजह से आप दूसरे भी जो जैसे फिल्म्स रिलीज हुए, जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था कि एक इंडियन फिल्म यहाँ पे आप उसका प्रीमियर होगा और रिलीज होगी. आई मीन हर बाउंड्रीज को कट शॉर्ट करती हुई और रिलेशंस बहुत अच्छी बना दी. और जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो दोनों मुल्कों की आवाम जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक जंग का सा समा होता है. जी, आप पर कितना प्रेशर होता था यू नो व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान? देखिए, इंडिया पाकिस्तान मैच में तो काफ़ी बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि हर कंट्री जो खेलना चाहती है, इंडिया मैच जीतना चाहती है और पाकिस्तान भी मैच जीतना चाहती है. यहाँ पर प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सा दबाव हो जाता है, क्योंकि प्रेस और हर इंसान जो इंडिया पाकिस्तान में होता है कि इतना टीवी के ग्लूड हो जाता है कि आप जितना इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो पब्लिक वॉच करती है, मैं नहीं सोचता हूँ कि कई कंट्री में और किसी कंट्रीज़ के दो कंट्रीज़ के बीच में मैच वॉच करती है. पाकिस्तान के बॉलर्स, स्टार बॉलर्स, प्लेयर्स लाइक वसीम अकरम एंड वकार यूनस एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट अब्दुल कादिर, आई लव्ड हिज गूगलीज टू, जब बॉलिंग कराते थे तो किस बॉलर से कभी थोड़ा सा लगता था डर के? आई थिंक मेरे सब में डिफ़िकल्ट बॉलर में जो पूरे करियर में खेला हूँ वो वसीम अकरम थे. और पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलना इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि उनके पास हर टूर में और हर मैच में कोई नए नए ट्रिक्स होते थे, जैसे रिवर्स स्विंग होती थी या बाउंस ज़्यादा होता था, बाउंसर ज़्यादा कर देते थे और यॉर्कर्स जो माहिर थे. एंड आई हैव हर्ड एंड आई बिलीव यू आर अ वेरी शाय पर्सन. डू आई लुक वेल? अ लिटिल बिट डार्लिंग. बाकी जो आते हैं तो इतना भड़ भड़ के मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं. मैंने तो इतना आपसे हर चीज़ बात की. स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, लेकिन जो स्पोर्ट्स में खेलती हूँ ना उसमें मुझे किसी बैट बॉल किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती. कौन सा स्पोर्ट्स है? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स है. खेलेंगे ना इकट्ठे, वी कैन हैव अ मैच टुगेदर, व्हाई नॉट एंड व्हाई नॉट. अच्छा, इमरान खान क्रिकेट छोड़ी तो हॉस्पिटल बना दिया, फिर सियासत में आ गया. हर सेलिब्रिटी को एक लालच तो होती है, बिकॉज यू कैन कैश योर नेम एंड यू कैन कैश दैट फेम रियली. तुमने सियासत की तरफ आने के बारे में कभी सोचा? आई हैव नॉट थॉट ऑन दोज लाइन, बट व्हाट आई वांट टू डू इज आई थिंक आई रियली वांट टू पुट अप अ वेरी गुड क्रिकेट एकेडमी, सो दैट पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, एंड दे ऑल कम टू इंडिया एंड लर्न समथिंग फ्रॉम आवर एकेडमी. व्हिच वाज द सीक्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल मैच? आई थिंक टू रिस्पेक्ट वन अनदर, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. You have to respect what she is doing and she has to respect what I am doing. And then from then on it becomes very easy. It's very simple, you know. If you don't respect what you are doing and then you must have time for everything. Cricket mein to bada score karte ho. Bahut achhi feeling hoti hai, because I mean like when you are scoring runs, when you do well, I think aapne jitni mehnat ki hogi jo younger days mein aapne itne sacrifices kiye hote, to jab aap runs banate hain to puri purani aapko har cheez yaadein aati hai ki are bhai humne itni mehnat ki thi to chaliye aaj mehnat kaam aayi aur humne acha score banaya. Ek achhi si alag hi feeling hoti hai jab acha karte hain, ekdam bahut achhi feeling hoti hai. Aur jab aapki country aap jeetti hai, aapke performance se usse zyada khushi hoti hai. Kisse dosti zyada hai? नो, मैं वसीम से काफ़ी दोस्ती थी मेरी, और मोस्टली सईद अनवर है, जैसा राशिद लतीफ़ है, बहुत लोग से मेरी दोस्ती थी. मुश्ताक अहमद से भी काफ़ी अच्छा था, तो बहुत लोग थे. और ज़हीर भाई से तो मैं भूल नहीं सकता, जब भी 89 में मैं यहाँ पे आया था तो ज़हीर भाई ने मुझे काफ़ी टिप्स दिए थे, वो टिप्स बहुत मुझे बहुत फ़ायदेमंद थे, और मैं उससे फिर से अच्छा स्कोर करने लगा. तो थोड़ा सा स्लम्प आ गया था मेरी बैटिंग में, वहाँ से उनकी जो टिप्स है उससे थोड़ा सा अच्छा हो गया. फिर मैं यहाँ से जाने के बाद इंडिया में कैप्टन बना, तो मैं ज़हीर भाई को तो भूल ही नहीं सकता, कि उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है.